बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल के लिए माजरत बेटा, क्योंकि कल यहाँ नेट का भी इशू था और लाइट का भी प्रॉब्लम था कल। सही है, देयर वर टू प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ एंड देन नेट स्पीड वाज स्लो। सो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर क्लास। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताएं, आपको आज बोर्ड सही नजर आ रहा है, आवाज सही आ रही है मेरी, तो एक दफा थम प्रेस कर दें। सारे बच्चे बेटे एक दफा थम प्रेस कर दें, अगर आपको बोर्ड सही नजर आ रहा है, आवाज सही आ रही है तो जज़ाकअल्लाह। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो फार आई टोल्ड यू दैट वी हैव सिलेक्टेड फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लेटर्स। लेटर राइटिंग इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। थम प्रेस किया, देखें सर, सब बच्चे थम प्रेस करें, सबने कर दिया, सही है। सो बेटा आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। बेसिकली फॉर्मल लेटर इज इंक्लूडेड इन आवर इंग्लिश कोर्स। फॉर्मल लेटर जो है इंक्लूड है हमारे इंग्लिश के कोर्स में। फॉर्मल लेटर इज द लेटर रिटन टू सिटी नाज़िम, मेयर ऑफ द सिटी, हु इज नोन एज मेयर ऑफ द सिटी, टू डायरेक्टर एंड टू द एडिटर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर टू ऑफ लेटर राइटिंग जो हम करने जा रहे हैं। I want you all to take out your register and start writing. बेटा आप लेटर लिखने का तरीका क्या होगा, वही होगा जो मैंने आपको बताया था। बेटा सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, एग्जामिनेशन हॉल। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, द एग्जामिनेशन हॉल, द एग्जामिनेशन हॉल। ये क्या है, एड्रेस ऑफ द सेंटर एंड डेट। ये क्या है, एड्रेस ऑफ द सेंटर एंड डेट। फिर एबीसी रोड, कराची, डेट है आज December 4, 2020। फिर बेटा इसकी अगली लाइन में इधर क्या आ जाएगा, अगली लाइन में इधर आएगा द एडिटर, द डेली डॉन, कराची, और उसके नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट आएगा। यहां आप लाइन छोड़ सकते हैं सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर। ये इंग्लिश में करंट टॉपिक्स दे देते हैं इंग्लिश में, ये एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड डेट, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर एसओपीज। नाउ स्टूडेंट आई एम गिविंग यू 5 minutes to copy it, and when you have written, press thumb. Tawash, do it. सब बच्चे लिखने के बाद thumb press करें, शाबाश। And you may ask any question. If you have any confusion, if anything is not clear, you can ask any time during the lecture about the topic.
आराम का सवाल करो, आराम सवाल करो। हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये लेटर कितने उस पे आ सकता है, मतलब हम कितना कितने पेजेस पे लिख सकते हैं? लेटर बेटा दो पेजेस पे लिख सकते हैं आप। जो टॉपिक हमारा जो मेन सब्सटेंस है वो आपका दूसरे पेज तक अगर चले जाए तो बेहतर है, सही है अनाम? अगर आपने योर जो नेट में लिखते हैं योर सिंसियरली सिर्फ अगले पेज पे लिखा है ना अनाम, अगर सिर्फ योर सिंसियरली अगले पेज पे लिखा है तो नंबर कटेंगे, सही है? लेटर इतना बड़ा होगा तकरीबन डेढ़ पेज पे उसका मटेरियल आ जाए, डेढ़ से दो पेज। ओके और इतना बड़ा भी नहीं हो कि ऐसे बन जाए वो तीन पेज का लिख डालें आप लेटर, सही है आराम? अच्छा लिख लिया है सब बच्चों ने, थंब नहीं प्रेस किया अभी बेटा आप लोगों ने, थंब नहीं किया बच्चों, शाबाश थंब प्रेस करो बेटा, लिख लिया है तो ताकि हमें पता चले, टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड इट। गुड शाबाश। लेटर जो है ना, लेटर तकरीबन डेढ़ से दो पेज पे आना चाहिए, डेढ़ पेज पे उसका तकरीबन होना चाहिए लेटर। इतना छोटा भी नहीं कि आपने बिल्कुल एक ही पेज पे खत्म कर दिया, या इतना बड़ा भी नहीं कि आपने तीन पेज चार पेज जो है वो लिख डाले। और चार नंबर तो इसके सिर्फ पैटर्न के, मैंने आपको बताया था ना कल, चार नंबर तो सिर्फ है ही पैटर्न के। तो बेटा सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है, रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद पैराग्राफ बना के लिखेंगे हम, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw जी नहीं एडिटर के नीचे से, हाँ रेस्पेक्टेड सर जो एडिटर के नीचे से लिखना है, फिर ये पैराग्राफ बना के अली एडिटर के नीचे रेस्पेक्टेड स्टाइल लिखना है, यानी मार्जिन के साथ और पैराग्राफ बना के, सही है? आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न authorities towards the problem of problem की जगह अगर हम issue लिख दें तो कैसा रहेगा, issue लिख देते हैं towards the किसकी meaning एस्टीम की मीनिंग, एस्टीम मीन मेरा मोहतरम मोतबर ऐसे लिखते हैं मोतबर उर्दू में, इशू ऑफ एसओपीस। अपनी बात को पैराग्राफ बना के नहीं लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम पेपर जहां पे शुरू होगा अपनी बात को उसी में बयान करेंगे उसी पैरा में, फिर अगले पैरा में हम खाली लिखेंगे आई विल बी थैंकफुल आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। As you know that the people should follow SOPs during pandemic conditions
ड्यू टू कोविड 19 they should wear mask using sanitizers and wipes gathering. Some people who do not. अच्छा बच्चों ये लिखे हैं आप देखें क्या कहा जा रहा है. Through the columns of your esteemed newspaper, आपके मुतबर अखबार के जरिए I wish to draw the attention of concerned authorities. मैं मुतालिका इदारों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ towards the issue of SOPs. SOPs के issue की तरफ. As you know that the people should follow SOPs during pandemic conditions due to COVID-19. जैसा कि लोगों को अमल करना चाहिए SOPs पर इस वबाई हालत में COVID-19 की वजह से. उन्हें विदेश शुड वेयर मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए और अवॉइड गैदरिंग से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. सम पीपल हु डू नॉट. अब हम बेटा इसका एंड करेंगे. इसके बाद आई वॉन्ट यू टू कॉपी इट एंड वेर यू हैव डन प्रेस थम. सही है, जब लिख लो तो थम प्रेस करो. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी टाइम. ये बॉयज के पास भी नहीं लिखा हुआ था, गर्ल्स के पास भी नहीं लिखा हुआ था, लिहाजा ये आज लिख रहे हैं हम. और इसके बाद आई थिंक वी शुड राइट अ लेटर अबाउट ट्रैफिक जैम्स. बेटा लिख लो तो थंब प्रेस करो सारे बच्चे. बेटा लिख लिया आप लोगों ने. कर लिया. सही है दुनैरा, ट्रैफिक जाम वाला लेटर कर लिया है. बॉयज आप बताइएगा ट्रैफिक जाम वाला लेटर कर लिया हमने. जरा बताइएगा मुझे हैंड रेज करके या उसमें चैट बॉक्स में बता दिए मुझे कि ट्रैफिक जाम वाला लेटर कर लिया है बॉयज. अली मुंतजर ने कह रहा है नहीं किया. सही है, हो गया अली, थैंक यू. ये लिख लिया आप लोगों ने, मैं मिटा दूं. देखो लिख लिया है सब बच्चों ने. बेटा थंब प्रेस करो ना आप. थंब प्रेस करोगे तो हमें पता चलेगा ना. सही है, डन. तो हमने कहा लिखा पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट प्रिकॉशंस have to face the consequences. अब बेटा और क्या लिखना चाहिए इसमें, और इसमें एंड करते हैं बस. I will be
thankful to you if you publish नहीं, इससे पहले नहीं करवाया। ये बॉयज का फर्स्ट लेटर है, गर्ल्स का सेकंड लेटर है। बॉयज का फर्स्ट लेटर, ये गर्ल्स का सेकंड लेटर है, एम आई राइट? पब्लिश दिस इशू, तीसरा है, सही है, इन योर newspaper so that people get awareness of the disease. फिर हम end कर रहे हैं। एंड कैसे करेंगे? थैंकिंग यू फॉर योर कॉपरेशन, थैंकिंग यू फॉर योर कॉपरेशन। और बेटा सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड पे आएगा। Yours sincerely भी लिख सकते हैं, yours truly भी लिख सकते हैं, but do remember, don't write your obediently या yours faithfully जो है बेटा किसके लिए लिखा जाता है? वो लिखा जाता है principal या headmaster के लिए। Yours sincerely आएगा, X Y Z अपना original name नहीं लिखना है, और date भी हमने शुरू में डाल दी थी, लिहाजा date भी डालने की जरूरत नहीं है, date application में डाली जाती है। So this letter is also completed. बेटा ये भी लिख लें, ये हमारा तीसरा लेटर जो है बच्चों कंप्लीट हो गया है। और लेटर बॉयज का फर्स्ट है ये, गर्ल्स का तीसरा है ये। तो बेटा अब मुझे एक चीज है कि अब मैं चारों के जो है लेटर एक और करवा दूं, वो ट्रैफिक जैम वाला जो कि मुझे बॉयज को करवाना है। तो अगर गर्ल्स के पास है तो वो एक दफा मुझे चेक कर लेना, जो पॉइंट्स हैं वो भी जो है चैट बॉक्स में बता दें जो मैं मिस कर रहा हूँ। गर्ल्स का लॉकडाउन कराया गया, सही। चार लेटर हमने तैयार करने थे मिड टर्म के लिए, गर्ल्स का जो है लॉकडाउन कराया गया। अरूबा, अरूबा यू आर राइट, लॉकडाउन कराया गया बेटा। और अभी फिलहाल कुछ समझ नहीं आया हो तो इसके अलावा आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, अभी कुछ समझ नहीं आया हो। हाँ बेटा अली, यही तो मैं कह रहा हूँ कि योर ओबीडियंटली हमने हेडमास्टर को लिखना होता है, प्रिंसिपल को लिखना होता है। योर ओबीडियंटली जो है हमने किसको लिखना होता है? हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को लिखना होता है। जब हम एडिटर को लेटर लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? योर ट्रूली या योर सिंसियरली, सही है। जब हम एडिटर को लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? योर सिंसियरली या योर ट्रूली। कॉपी करें कुछ आवाज। तो फिर मैं लॉकडाउन का करवाता हूँ, आज रिकॉल करवाता हूँ। कल ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ट्रैफिक जैम्स वगैरह पे भी करवा दूं कल, क्योंकि बॉयज का नहीं है, ताकि कल ये टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाए। इसके बाद मैं नया टॉपिक ग्रामर का शुरू करूं, कोई नया टॉपिक शुरू करूं, क्योंकि हमारा काउंट 7 भी कंप्लीट हो गया। 70% हमारा लिटरेचर का आपको बताया था मैंने, 60-70% हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और ग्रामर का पोर्शन रह गया है। ग्रामर का पोर्शन में आपको इंशाल्लाह कोशिश है कि कल हमने ये लेटर का टॉपिक वाइंड अप करके अगले हफ्ते से हम जो है कुछ नया टॉपिक शुरू करें। हाँ वानिया सब्जेक्ट अंडरलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। सब्जेक्ट आप ब्लैक से भी लिख सकती हैं वानिया, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट ब्लैक से भी लिख सकती हैं आप और अंडरलाइन भी कर सकते हैं वानिया, सही है। और किसी को कोई सवाल है तो वो कर ले। सब्जेक्ट जो है वो आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं सब्जेक्ट को। और बोर्ड आपको बेटा क्लियर नजर आ रहा है तो थंब प्रेस करें, सारे बच्चे थंब प्रेस करें अगर बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है।
देखिए सर, अदनान सब बच्चे संपेश कर रहे हैं, वेरी गुड। तो टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि टुडे वी हैव नो इशू ऑफ लाइट और नेट। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट, ओके आई एम गोइंग टू इरेज इट। हाउ मच टाइम डू वी हैव? आई थिंक वी हैव 15 मिनट लेफ्ट, तो वी कैन डू अनदर लेटर। नहीं बेटा, ये जो है थैंकिंग यू फॉर योर कोऑपरेशन, अगले पेज पे आ रहा है तो नंबर कर सकते हैं आपके। जुनैरा, अगर थैंकिंग यू या योर सिंसियरली से अगले पेज पे आ रहा है, यानी आपका ऐसे आ रहा है, देखें ऐसे आ रहा है ना, सिर्फ ऐसे अगले पेज पे आ रहा है, उससे ऊपर की लाइन आ रही है तो ठीक है। अगर ये सिर्फ अगले पेज पे आ रहा है तो आपके नंबर कर सकते हैं, अगर सिर्फ ये अगले पेज पे आ रहा है तो आपके नंबर कर सकते हैं। कोशिश करें लेटर या तो इतना बड़ा हो कि अगले पेज पे कुछ आ जाए, सही है, इतना छोटा नहीं हो कि, या तो फिर आप उसी पेज पे खत्म करें जिस पेज पे शुरू करें। अच्छा, अगला टॉपिक जो है लॉकडाउन का है। मैं एग्जामिनेशन हॉल और द एडिटर नहीं लिख रहा, ये आप लोग आप खुद लिखें, सही है। टॉपिक क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा लॉकडाउन का, आप यहाँ डायरेक्ट लिखें द एग्जामिनेशन हॉल एबीसी रोड कराची, डेट डालें, उसके बाद द एडिटर लिखें, द डेली जंग लिख लें, द डेली न्यूज लिख लें, सही है, किसी भी अखबार का नाम लिख लें, कराची। फिर मैं सब्जेक्ट से शुरू कर रहा हूं, मैं किससे शुरू कर रहा हूं, सब्जेक्ट से। अब इसको देखें, बच्चों ने सवाल किया, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। हम इंग्लिश में असल में करंट टॉपिक पे लेटर भी आ सकता है ऐसे भी, और खूबसूरती के लिए हमने उसको हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन लिख दो, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, और गर्ल्स का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हाँ, एडिटर की जो राइटिंग है वो सेम टू द एडिटर द डेली डॉन कराची। बेटा देखें, सवाल इस तरह से आ सकता है बोर्ड में, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द प्रॉब्लम ड्यू टू लॉकडाउन। लेटर लिखें जो है एडिटर को, प्रॉब्लम को हाईलाइट करें ड्यू टू लॉकडाउन। क्वेश्चन लिख लें आप लोग, फिर क्वेश्चन मिटा के मैं यहाँ पर लेटर शुरू करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर, क्वेश्चन लिख लें आप लोग, रेस्पेक्टेड सर। शाबाश, जल्दी जल्दी लिखें क्वेश्चन, तो जल्दी से लिख लें आप 2 मिनट में। बेटा क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं मैं, कर दू ना इरेज, क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, प्रॉब्लम ड्यू टू लॉकडाउन, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ड्यू टू लॉकडाउन। Thank you.
बेटा अब हम कंसर्न अथॉरिटीज नहीं लिखेंगे, अभी ये लॉकडाउन प्रॉब्लम्स के लिए रिलीफ फंड कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ना रिलीफ फंड। तो अब हम जो है गवर्नमेंट को लिखेंगे, कंसर्न अथॉरिटीज नहीं लिखेंगे। अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड द प्रॉब्लम्स ड्यू टू लॉकडाउन। ओके, एज यू नो दैट पीपल हैव been suffering from poverty diseases in the pandemic condition unemployment और नीचे नहीं लिख रहा बेटा, ऊपर का लिख लिया होगा आप लोगों ने, ऊपर का लिखे जल्दी से। देखिए बेटा ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन इंक्रीज एंड करते हैं। आई विल बी थैंकफुल टू यू। बेटा ये लिखा आप लोगों ने, ये लिख लिया है तो थंब प्रेस करें जरा जल्दी से सारे बच्चे, ये लिख लिया है तो थंब प्रेस करें। लिख लिया है। आई विल बी थैंकफुल टू यू इफ यू पब्लिश deep problems in your newspaper so that the government will introduce relief packages. Thanking you for
your cooperation yours truly XYZ. So beta, we have written another letter today, and let's see. An unemployment rate has been increased. I will be thankful to you if you publish these problems in your newspaper. मैं चाहता हूँ आप ये अपने अखबार में भी छापें, so that government will introduce relief packages. ताकि government जो है relief packages introduce करे. Thank you for your cooperation. आपके cooperation का शुक्रिया. Yours truly XYZ. आपका सच्चा मुखलिस XYZ अपना नाम नहीं लिखना है, सही है? So, बेटा आज की क्लास का टाइम तकरीबन पूरा हुआ जाता है, इस उम्मीद के साथ के कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को. और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हैंड रेज करो, या पूछ लो जल्दी से, सही है? नाउ आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी इट. मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज. कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं आप लोग. ओके बेटा, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं.